बच्चों बात करेंगे अब जो है हम लोग बात करेंगे अब हम इशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स के बारे में। तो हमने फॉरफिचर ऑफ शेयर्स तो अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो से और अपने आने वाले वीडियो में भी हम अपने आने वाले कुछ वीडियोस में भी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो भी शेयर्स कंपनी फॉरफिट करती है उनको बाद में रीइशू किया जाता है, ठीक है। अब रीइशू के टाइम पे उतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभानी होती हैं कि आप पहले प्रोस्पेक्टस निकालिए, फिर लोगों से एप्लीकेशन मनी लीजिए, फिर अलॉटमेंट मनी लीजिए, ठीक है। इसमें हम सारा पैसा इकट्ठा ही ले लिया करते हैं वन टाइम पेमेंट के थ्रू, और एंट्रीज भी जो है एक ही एंट्री से आपका काम चल जाता है, मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ती है। तो फॉरफिट शेयर्स जो हैं वो तीन तरह से रीइशू हो सकते हैं। या तो उनको पार पे रीइशू किया जा सकता है, या तो उनको प्रीमियम पे रीइशू किया जा सकता है, और उनको डिस्काउंट पे भी रीइशू किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कि नॉर्मली ओरिजिनली शेयर्स जब इशू होते हैं तो या तो वो पार पे इशू होते हैं या फिर प्रीमियम पे इशू होते हैं। बट ऐसे शेयर्स जो फॉरफिट हो चुके होते हैं, दीज शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। ऐसे शेयर्स को डिस्काउंट पे भी री इशू किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो पहले बात करते हैं कि जब इनको पार पे री इशू किया जाता है, तो देखिए एंट्री क्या बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। बैंक में अमाउंट आएगा, जितना भी आपने रीइशू के टाइम पे पैसा लिया होगा उससे बैंक डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में जितने भी शेयर आपने रीइशू करे हैं इनटू जितनी भी पेड अप वैल्यू पर शेयर आपने मान के बेचा है उसको, ठीक है, वो उससे क्रेडिट कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स के नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, क्लियर बच्चों। पेड अप वैल्यू का मतलब कैपिटल का कितना पार्ट कंपनी मान रही है कि कंपनी को मिल चुका है या एक्चुअल में मिल चुका है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली रिसीव और डीम्ड टू बी रिसीव बाय द कंपनी एज पेड रिलेटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फुली पेड अप का यहाँ मैं आपको मतलब बता दूँ क्या होता है कि अगर लिखा हुआ आ जाए कि शेयर्स फॉर रीइशूड एज फुली पेड अप, इसका मतलब होता है कि कंपनी ये मान के चल रही है कि पूरी फेस वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। फुली पेड अप का ये मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। आपको ये लाइन, आपको रीइशू वाले जब क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें ये लाइन बहुत लिखी हुई होगी, तो ध्यान रखिएगा जब भी फुली पेड अप लिखा हो तो इसका मतलब कंपनी ये मान के चल रही है कि शेयर की फेस वैल्यू एंटायर पेड हो चुकी है इन शेयर्स पे। और पार पे रीइशू करने का मतलब हो गया जितनी आपने पेड अप वैल्यू मानी है उतना ही पैसा उन शेयर्स पे लिया भी है, तो इसलिए कोई डिस्काउंट देना नहीं पड़ा। यानी अगर आप शेयर को 10 रुपये पेड अप मान के बेच रहे हो तो 10 रुपये पर शेयर ही आप उसको बेच रहे होंगे। अगर 8 रुपये पेड अप मान के बेच रहे हो तो 8 रुपये का ही पर शेयर आप बेच रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड रीइशू एट पार। जितने पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीइशू है उतना ही पैसा आपने रिसीव भी किया है, पेड अप वैल्यू जितना पैसा ही आपने रिसीव किया है, तो वो कहलाएगा रीइशू एट पार। लेकिन अगर आपने पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पैसा रिसीव कर लिया तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप लोगे उसको आप कैपिटल में डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कैपिटल में पेड अप वैल्यू ही जा सकती है। तो उस पैसे को आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डालना पड़ेगा। इसका मतलब आप यू आर टेकिंग प्रीमियम ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। आई बात समझे बच्चों? अब अगर इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया जाता है तो जितना पैसा आपका पेड अप वैल्यू मान के लिखा गया है वही आपका कैपिटल में जाएगा, लेकिन बैंक का अमाउंट तो कम है क्योंकि आपने पेड अप वैल्यू से कम पैसा लिया होगा, इसका मतलब तभी वो डिस्काउंट पे रीइशू हुआ है। तो उस डिस्काउंट को हम अपने फॉरफिट के वो पैसे में से कवर करते हैं जिसको हमने फॉरफिट शेयर अकाउंट में डाला हुआ था। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट हैज बीन गिवन एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा रिसीव किया क्या होगा, जितना डिस्काउंट दिया होगा उसके लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
यानी पेटर जितना पैसा पेटर वैल्यू जितना ही पैसा लोगे तो बाहर पे री इशू हुआ, ज़्यादा पैसा ले लिया तो प्रीमियम पे री इशू हुआ, कम पे री कम पैसा लिया तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, यानी वो डिस्काउंट पे री इशू हुआ। ठीक है बच्चों, बैंक और शेयर कैपिटल तो इन ऑल द थ्री केसेस आपका आएगा ही आएगा। कम पड़ गया तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ज़्यादा ले लिया तो सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।